नमस्कार, फिर से स्वागत है आपका कंचन ट्यूब पर। गुरु ब्रह्मानंद जी की जयंती मनाई जा रही है सफीदों में, और अब जो स्वामी ब्रह्म स्वरूप ब्रह्मचारी जी हैं उनके साथ हम हैं, उनके सामने हम हैं, उनसे बात करेंगे कि आखिर ये आयोजन हर साल किया जाता है, इतना भव्य आयोजन होता है। गुरु जी सबसे पहले स्वागत है कंचन टीवी पर आपका। आपका बहुत बहुत कंचन टीवी का भी धन्यवाद हार्दिक। स्वामी जी हर वर्ष की तरह इस बार भी आपने कार्यक्रम आयोजित किया है, और हरियाणा ही नहीं पंजाब से यूपी से पहाड़ों से भी आपने संतों को बुलाया है, क्या कहना चाहेंगे इस कार्यक्रम पर? ये गुरु ब्रह्मानंद जी महाराज जी का पूरे देश में हम जन्म महोत्सव मनाते हैं, और जन्म महोत्सव में सभी संत अपनी इच्छा से आ जाते हैं, उनकी बड़ी कृपा हमारे ऊपर, विशेष करके तो उन संतों की कृपा है। मैं किसी को नहीं बुला सकता, वो तो महापुरुष कौन बुलाए, वो तो अपनी कृपा करते हैं जी जी। और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि गुरु जी के लगभग हरियाणा में 650 आश्रम हैं जी, सबसे ज़्यादा आश्रम उनके इतने किसी भी संत के आज तक आश्रम नहीं हुए, और इसमें हर साल 35 साल से मैं इसका संचालन कर रहा हूँ, और 35 साल से लंगर भोजन पानी तो आप चल ही रहे, आप लोग जानते हैं। अब की बारी विशेष हमने और सोचा, जिन लोगों गरीबों को कोरोना के टीके नहीं लग सकते उनके लिए भी हमने व्यवस्था की है, ताकि कोरोना के टीके लग जाएं, भोजन पानी भी प्रसाद पा लें, सब डॉक्टरों की व्यवस्था की है जी। बिल्कुल, आप यहाँ पर भजन कीर्तन का आयोजन होता है, लंगर का हर वर्ष होता है, इस बार कोविड टीका भी आपने लगवाया है, तो कहीं ना कहीं संस्था, कहीं ना कहीं स्वामी जी अपने सामाजिक दायित्व भी निभाते हैं। उससे पहले हमने गरीब लोगों का अन्न क्षेत्र भी चलाए हैं कई जगह पर, ऋषिकेश में, हरिद्वार में, कपाल, जहाँ जहाँ हमारे आश्रम, सभी ने हमने गरीबों की व्यवस्था की है, जो भोजन की व्यवस्था नहीं करते उनके घर में भिजवाया राशन जी। चलिए बहुत बहुत बधाई देंगे, बहुत बहुत शुभकामनाएं देंगे, ऐसे आयोजन आप कराते रहे, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। तो अब चंडीगढ़ से पहुंचे हैं रोशन लाल राणा जी, यहाँ पर पहुंचे सामाजिक व्यक्ति हैं, राणा जी यहाँ पर पहुंचे, क्या कहेंगे इस पूरे कार्यक्रम पर? माननीय गुरु जी राम स्वरूप ब्रह्मचारी जी का आशीर्वाद है, हम तो यहाँ गुरु ब्रह्मानंद जी के आशीर्वाद से और महाराज राम स्वरूप जी के बिना बुलाए मेहमान है, लेकिन गुरु ब्रह्मानंद जी का आशीर्वाद लेने हम यहाँ तक पहुँचे, आप उनका जन्म दिवस मनाया जा रहा है। मैं परमात्मा से भी उम्मीद करता हूँ कि मेरे ऊपर भी एक आशीर्वाद बनाए रखे गुरु जी। अब बीजेपी छोड़कर आपने राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है, उस पर क्या कहेंगे? बीजेपी छोड़ी नहीं है मैंने अभी, कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है, बीजेपी नहीं छोड़ी मैंने अभी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ज्वाइन नहीं करी, छोड़ी नहीं है, वो मेरे निजी रिलेशन है, मैं उनसे, मतलब शरद पवार जी से आपके नजदीकी संबंध है? हाँ, वो मेरे नजदीकी संबंध है, मेरे पारिवारिक और एक जो संबंध है उनके तहत मिलना जुलना होता है, अभी तक मैंने कोई छोड़ी और ज्वाइन करने वाला कोई नहीं। बहुत बहुत शुभकामनाएं रहेंगी, आपका भी उज्जवल भविष्य है, और आप यूं ही गुरु ब्रह्मानंद जी की कृपा पर बनी रहे, धन्यवाद। तो देखिए यहाँ पर बड़ी बड़ी शख्सियत पहुंचे हैं, राज्य मंत्री जी आप देख सकते हैं, बहुत ही गजब का यहाँ पर कार्यक्रम किया गया है, लंगर है, भंडारा है, लगातार यहाँ पर चल रहा है, और हर साल की तरह ये चलता रहेगा और आगे भी चलता रहेगा। बस निवेदन है आपसे, बने रहिएगा कंचन टीवी के साथ, और इस वीडियो को आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिएगा, और हमें बताइए कंचन टीवी कैसा काम कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कैमरामैन सहयोगी दिलजीत आर्य के साथ, मैं यशपाल।